हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये यम्मी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, आलू पनीर कटलेट, विच इज़ सुपर इजी, सुपर टेस्टी एंड क्रिस्पी आल्सो। होप यू ऑल लाइक इट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ चार मीडियम साइज़ के पोटैटो बॉईल कर लिए हैं और इसे ओवर कुक नहीं करना है इस तरीके से, बहुत ज़्यादा फिर उनमें मॉइस्चर हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से मैं इसे मैश कर लूँगी। हमें फोक से ही मैश करना है, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं करना है, आलू के पीसेस रहने चाहिए। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से रोस्टेड पीनट, और अब मैं यहाँ डालूँगी 1/3 कप ग्रेटेड पनीर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, सॉल्ट, 1/2 चम्मच चिली आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और 1/2 चम्मच में यहाँ चिली फ्लेक्स भी ऐड करूँगी, और 1/4 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप गार्लिक को छोटा छोटा कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये सारी चीज़ें तब मिक्स करेंगे जब आलू एकदम ठंडे हो गए होंगे। अब मैं यहाँ ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स 1/4 कप, इसे बहुत अच्छा सा क्रंच आएगा, बहुत क्रिस्पी बनेंगे कटलेट्स, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तरीके से, और हम इनको बाद में कटलेट का शेप देंगे। हम इनको ऐसे भी बना सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसे भी इजीली बन जाएंगे। और इसे और क्रंची करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर 2-3 स्पून, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से और कटलेट आप जो भी शेप देना चाहें उस शेप के कटलेट बना सकते हैं, और इसे 1 से 2 दिन हम फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ ले लिया है 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और इसमें सॉल्ट और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, और इसका एक मीडियम सा इसका लिक्विड रेडी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला नहीं, इस तरीके से। और अब हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इनके कटलेट्स रेडी करेंगे, जैसा भी शेप आप बनाना चाहते हैं वैसे। तो मैं इनको इस तरीके से शेप दूंगी। ये सारे कटलेट मैंने रेडी कर लिए हैं। अब जो हमने कॉर्नफ्लावर का पानी रेडी किया है उसमें इसको डिप करेंगे, बहुत ही पतला रखेंगे, और उसके बाद ब्रेड क्रम से इसे कोट करेंगे, इसे बहुत क्रंची बनेंगे। तो मैंने ये सारे रेडी कर लिए हैं, अब इन्हें हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, जिससे ये अंदर से भी क्रिस्पी हो जाए और ऊपर से भी। और मैंने पहले भी बताया, आप इस तरीके से रेडी करके कटलेट ब्रेड क्रम्स कोट करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं 2 से 3 दिन, जब भी आपको खाना है तभी आप फ्राई करके उनको रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आप ये सेम चीज़ शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ, आप जैसा करना चाहते हैं आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो होप यू ऑल लाइक इट, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कॉमेंट शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.